करूंगा। तो करण काफी सफल हो रहे, तो सचिन उनको मौका दे रहे डिक्लेयर जोन में मारने के लिए। बहुत ही बढ़िया दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सचिन, एक एक्सपीरियंस भरे हुए गेंदबाज है। लेकिन करण जैसे एक बात है यार, फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, जागते हो का दे देते हुए करण जैसे अच्छे बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। बढ़िया गेंदबाज मैं कहूंगा सचिन द्वारा, अपने टीम के लिए पूरा 100% देते हुए। और लेकिन अभी भी खिलाड़ी कक्ष में एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज बैठे हैं अक्षर कासार, जिन काफी बढ़िया बल्लेबाज है। मैंने कई बार उनकी बल्लेबाजी देखी है, तो टीम मीटिंग ना करनी है प्लीज, हमें सहयोग करना है। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। अभी भी 12 गेंदे और जीतने के रन चाहिए 10 रन। अब गेंदबाजी का भार संभालना है नई गेंदबाज हर्षद। हर्षद टू किशोर, तो हर्षद राइट नंबर विकेट, पटकी हुई गेंद लेकिन ऑफ टोको काफी चिरती हुई गेंद निकल चुकी है, एक अतिरिक्त के स्वरूप में रन जाती हुई, इसे 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 5 रन। तो किशोर टू हर्षद, फिर से एक बार दौड़ना चालू किया किशोर के लिए, किशोर बिल्कुल तैयार, फिर से पटकी हुई गेंद और इसे छोड़ दिया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज मैं कहूंगा हर्षद द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रनों पे, तो अंपायर से कोई बात ना करनी है किशोर। तो हर्षद फिर से एक बार किशोर के लिए, ओ यहां पे लोअर फुल टच गेंद, उसे कारपेट के सहारे खेला है गेंद, 1 रन तो आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने चुराया है। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 6 रन। कम रनों पे भी काफी टफ मैच देखने जा रहे हम। और फिर से एक बार हर्षद तैयार करण के लिए, यहां पे लोअर फुल टच गेंद और गेंद काफी देर तक हवा में और आसान सा कैच और पहला झटका लगता हुआ आएगा तो भी अनगांव टीम को। डीजे आप जाके स्क्रीन में पहुंच चुके हैं कि हार्ड हिटिंग बल्लेबाज अक्षय कासार, तो जूनियर वीआर स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और काफी आक्रामक रूप धारण करते हैं कभी भी बल्लेबाजी को आते हैं जब। लेकिन किशोर को अभी तक खामोश रखा है, अच्छे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है वो भी, लेकिन काफी खामोश रखा है। फिर से एक बार आशा तैयार राइट आर्म ऑफ द विकेट, फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद, उसे भेज दिया है शायद 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट दिल सैली तुझे अर्थी जी, फुट बोरा देवी दिल सैली तुझे अर्थी जी। थैंक यू डीजे। नो चंडू ओवर स्टेपिंग की वजह से ये नो घोषित भी किया है और ये इस गेम पे शायद फ्री भी मिल सकता है किशोर को। इसे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा, 1 रन की जरूरत है अभी। एक तरफा मुकाबला हम देखने जा रहे, अभी 1 रन की जरूरत और किसे स्ट्राइक पे। फिर से एक बार उठाकर मारा है, क्या कैच, आसान सा कैच छोड़ते हुए
और इस मैच को जीत लिया है आई गांव कभी अनगांव।